बेलूपुर थाना क्षेत्र के शुक्लपुरा मोहल्ले में पिछले दिनों मेडिकल के छात्र नितेश मिश्र की संदिग्ध हालत में मौत के मामले की जांच के लिए गुरुवार को डीजीपी कार्यालय के आदेश पर लखनऊ से स्टेट मेडिको लीगल एक्सपर्ट टीम वाराणसी पहुंची। टीम के साथ भेलपुर एसीपी और इंस्पेक्टर भी थे। टीम दोपहर घटनास्थल शुक्लपुरा पहुंची और क्राइम सीन रिक्रिएट किया। गौरतलब है कि प्रतापगढ़ जिले के कोतवाली पट्टी थाना क्षेत्र के अटगावा का निवासी नितेश शुक्लपुरा में रामजतन के 3 मंजिला मकान में किराए का कमरा लेकर 1 साल से रह रहा था। नितेश मेडिकल की तैयारी कर रहा था। वो अपने पिता धर्मेंद्र मिश्र का इकलौता बेटा और प्रतापगढ़ के पत्रकार रविंद्र मिश्र का भतीजा था। नितेश की संदिग्ध हालत में मौत 12 जुलाई की शाम को हुई थी। चाचा रविंद्र मिश्र ने बताया कि 12 जुलाई की शाम 7:30 बजे मेरे भतीजे के साथी पीयूष ने उन्हें फोन किया, बताया कि उनका भतीजा नितेश 3 मंजिले मकान की छत से गिर गया है और उसे गंभीर हाल में इलाज के लिए बीएचयू ट्रॉमा सेंटर ले जा रहा है। इसके बाद चाचा और परिवार के अन्य लोग रात 11:30 बजे ट्रॉमा सेंटर पहुंचे, जहाँ चिकित्सकों ने बताया कि नितेश की मौत हो चुकी है। धर्मेंद्र मिश्रा किस तरह का यहाँ पे आए थे और क्या मामला क्या था? आए थे हमारा लड़का यही किराए पे रूम लेकर नीट प्रतियोगी की परीक्षाओं की तैयारी कर रहा था। 17 तारीख को उसका नीट का एग्जाम था और उसके साथ यह दुर्भाग्यपूर्ण ही घटना है कि उसकी निर्मम हत्या कर दी गई 12 तारीख बीते मंगलवार को। और कुछ उसमें जो छात्र थे लाज में इस तरह से उसके साथ कुछ दुर्व्यवहार किए जो इसको घटना के स्वरूप दे दिए कि छत से गिरने का। अब पुलिस इसकी फॉरेंसिक जांच टीम आज लखनऊ से आई थी, अब जांच किए हैं। आईपीसी धारा 302 के अंतर्गत जो अभी तक अभियुक्त मुलजिम है यहाँ की पुलिस अभी तक गिरफ्तारी नहीं कर पाई है। आज 16-17 दिन घटना होने को है फिर भी यहाँ की पुलिस सक्रिय नहीं है, अपराधियों को नहीं पकड़ पा रहे। आज अभी तो यही खोजवा थाना में हमको चौकी बुलाए थे चौकी इंचार्ज, फिर वहाँ से आए यहाँ जो कुल सुंदरपुर में जहाँ रूम लेके बच्चा रह रहा था तो यहाँ भी उसका जो है क्राइम सीन के वो छत से बात कर रहे हैं, लेकिन हम इसको नामुमकिन 100% नहीं समझते कि वो छत से गिरा। उसको हेड इंजरी आई है पोस्टमार्टम में जो उसको पीछे से यहाँ कोई मार दिया है, मार के लटा के तब उसको स्वरूप दे दिए छत से गिरने का। तो हम चाहते हैं कि शासन प्रशासन उत्तर प्रदेश सरकार से कि हमको न्याय मिलना चाहिए। क्या नाम था लड़के का? नितेश मिश्रा, वो 1 क्लास से CBSE बोर्ड अभी 2021 में नवंबर में वहाँ डॉल्फिन पब्लिक स्कूल प्रतापगढ़ से किया था। उसके बाद से यहाँ नीट की तैयारी कर रहा था, लाइब्रेरी कैटलिस्ट लाइब्रेरी में वो जाके वहाँ ऑनलाइन क्लासेस लेता था। डिजिटल इंडिया का डिजिटल न्यू प्लेटफॉर्म लाइव VNS पिछले 7 वर्षों से बनारस की सेवा में। पाइए बनारस के कोने कोने की खबर निष्पक्षता के साथ लाइव VNS से। बनारस की ताजा तरीन खबरों के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए लाइव VNS ऐप या फॉलो कीजिए लाइव VNS को सोशल मीडिया पर।